अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं और मैं जो अगली मेरी डेस्टिनेशन है तीन है, आज मुझे तीन कवर करनी है तो मैं कवर करूँगा जाके, तो शाम तक कवर होगी लेकिन वे तीनों वीडियो अलग अलग होगी। और आप सभी को राम राम, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। और जिस रूम में मैं ठहरा हूँ और सारे सेम रूम है, ये बाथरूम हो गया, ये आपका एक बेड हो गया, ये कि हाँ टेप लगाई उन्होंने, और ये गर्म पानी या चाय चुई के लिए कैटली दी हुई है, और ये चेयर है। तो रूम तो काफ़ी अच्छे है, इसका भी मैं बाद में वीडियो बना। तो अभी आज जो भी हमारी मंजिल है वो कवर करते हैं और अपना सामान उठाते हैं ताकि कुछ भूल ना जाए। गाड़ी की चाबी हो गई, फोन हो गए, और बाहर से ये देखिए सुबह सुबह मॉर्निंग का व्यू, ये देखिए व्यू। और उस पहाड़ पे जाने की सोच रहा हूँ, कलकत्ता करके ट्रैक है उस पहाड़ पे, ट्रैकिंग ये पूरे पे। और ये व्यू है मेरे होटल से सुबह सुबह मॉर्निंग में, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये नज़ारा देखते हुए। ये देखिए, और जो ये पेड़ है कितना अच्छा है फूल का। तो चलो तैयारी हो गई है, गाड़ी स्टार्ट करते हैं 5 मिनट, क्योंकि ठंड में गाड़ी भी स्टार्ट करनी चाहिए थोड़ी देर, ताकि गाड़ी का जो ऑयल जमा हो वो रनिंग में आ जाए। तो जब भी गाड़ी स्टार्ट करो ठंड में 2-4 मिनट उसको स्टार्ट छोड़ दो, फिर बाद में चलो। करते हैं तैयारी, आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं फिर आगे आपसे। ये देखो डॉगी भी आराम से बैठा हुआ है, देख रहा है कि मैं जा रहा हूँ। और ये इसकी पार्किंग है, और ये मेन रोड पे होटल है। और ये गाड़ी के पास आ गए, गाड़ी में सामान रखते हैं, गाड़ी स्टार्ट कर लिया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें मेरे लाइट आ जाती है, क्योंकि मेरे जो टायरों में है नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ठंड में कम हो जाती है, तो इसलिए लाइट आ जाती है जब भी। तो अब मैं मेन रोड पे आ गया हूँ, चक्राता वाले रोड पर, और 11 किलोमीटर पहले है ये मेरा होटल। तो अभी मैं चक्राता जाऊँगा, चक्राता से एक रोड पे दोनों पॉइंट है जहाँ मैं जा रहा हूँ, और एक रोड पे अलग है। तो पहले मैं जो दो पॉइंट है उन पे जाके एक्सप्लोर करता हूँ, फिर उसके बाद थर्ड पे करूँगा। और रोड ऐसा है, रोड में तो कोई दिक्कत नहीं है, रोड ऐसा है। और चक्राता से जो शिमला वाला रोड जाता है उस पे है वे दोनों पॉइंट, और एक मंसूरी वाले रोड पे है। और ठंड है यहाँ, आप लोग सोच रहे हो ठंड नहीं है, ठंड है, अपने गर्म कपड़े लेके आना, लेकिन मुझे तो इतनी खास ठंड लग नहीं रही है, इसलिए मैं अभी हाफ टी शर्ट में ही हूँ, और मैंने अपनी जैकेट भी रखी हुई है। और एक और खुशखबरी है चक्राता से पहले, अब ये पेट्रोल पंप खुल रहा है, लेकिन कब खुलेगा कब नहीं पता नहीं, जियो का है, तो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत बढ़िया, क्योंकि उसके बाद फिर पेट्रोल पंप नीचे ही मिलते हैं, तो टैंक अपना फुल करा के आना। चलो जल्दी खुल जाए, हम भी ये सोच रहे हैं। और कल भी काफ़ी मस्ती करी थी, और आज भी मस्ती करते हैं, काफ़ी इंजॉय हो गया। और सुबह सुबह ऐसा मौसम मिल जाए जहाँ नहीं कोई पोल्यूशन हो, ना कोई भीड़, ना ही कोई चिक चिक, तो कितना मज़े वाली बात है। ये मेन चक्राते में आ गया हूँ, अब चक्राते से मेरे राइट में चला गया मसूरी का रोड, और ये आगे एक शिमला रोड, और जहाँ से टाइगर फॉल का रास्ता जाता है वो भी मैं दिखाता हूँ। ये मेन चक्राता है, ये देख लीजिए। और अब मुझे उस रोड पे जाना है, ये सामने जो वो गाड़ी जा रही है, और इसी से टाइगर फॉल का रास्ता कटता है, और इसी से जो मेरी दो डेस्टिनेशन है आगे जहाँ मैं जा रहा हूँ वे भी इसी रोड पे है। ये चक्राता से 2 किलोमीटर के बाद जो ये सामने रास्ता दिख रहा है आपको, ये वाला ये टाइगर फॉल है, और लेफ्ट में ऊपर शिमला वाला रोड चला गया, और यहाँ से टाइगर वाटरफॉल रह जाता है तकरीबन 18 किलोमीटर के आसपास रह जाता है, 17-18 किलोमीटर। तो चक्राता से वही 20-21 किलोमीटर है टाइगर वाटरफॉल। अभी मैंने इस लोकेशन पे गाड़ी रोकी है, तो मैं ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ कितना अच्छा लग रहा है, ये देखो। और इस समय जो मोमेंट है वो भी कितनी अच्छी है, ये देखिए। तो सोच रहा आप लोगों को ये भी दिखा दूँ, ये भी रास्ते में पड़ता है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और मैं आगे जाता हूँ थोड़ा, ये टॉप पे है, ये देखिए, वाह, ये है जिंदगी।
बहुत अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छा। और वहाँ पे वो देख रहे हो, थोड़ा प्लेन है शायद, उसका कुछ रास्ता होगा कहीं से गाड़ी जाने का, अगर वहाँ तक गाड़ी चली जाए तो अलग ही मज़ा आ जाएगा। अभी जहाँ मुझे आना था मैं आ गया हूँ, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ आया हूँ। ये मैं आया हूँ कनासर, यहाँ पे जो ये देवदार के पेड़ है, ये 500-600 साल पुराने हैं यहाँ पे, ये जो भी आप देख रहे हो। और ये चक्राता से तकरीबन आपका 25 किलोमीटर आ गया है ये आपका सारा। ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 6.35 मीटर इसकी मोटाई है। और एक वो है उधर, उस पे भी लिखा हुआ है, उस पे लिखा 5.05। ये देखिए 5.05। और ये एक मंदिर बना हुआ है, और काफ़ी अच्छा है ये, तो आप लोग यहाँ आ सकते हो जब चक्राता हो। तो मुझे कैसा लगा, तो ये तो मैं एक स्पेशल वीडियो अपनी एक्सपीरियंस की बनाऊंगा ज़रूर, क्योंकि अलग ही फीलिंग आ गई है, बहुत बढ़िया। और आपको बताऊँ, ये देख लिए गौर से, देवदार के पेड़ ये चारों तरफ, और 600 साल पुराने हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 600 साल पुराने, और इसकी 5.05, और सबसे बड़ा वो है 6.35 मोटाई। तो चलो भाइयों, अब आपसे यहाँ विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, और बाबा भली करें।